Hello students, welcome to class 4. Today we are going to learn multiplication method to find factors of a number. So let's start. See students, from exercise 5A, I will find the factors of these numbers. So let's find factor of 20. See students, 1 and the number itself is a factor of every number. 1 and jo number khud hota hai, wo har ek number ka factor hota hi hai. Jaise 20 khud ka factor hai. Okay, and 1. So always start with 1. Now tell me, 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 20 मिलेगा? Yes, 20. So 1 into 20 equals to 20. Okay, next. अभी हमने divisibility rule सीखे है. तो आपको पता है कि 22 से divide हो सकता है क्योंकि last में 0 है. और हमारा rule क्या है? अगर last में 0, 2, 4, 6, 8 ये number हो गए, तो वो number 2 से divisible है. तो नेक्स्ट हमारा नंबर होगा 2. तो 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 20 मिलता है? यस, 2 टेंस आर 20. इसीलिए आपको टेबल आना बहुत जरूरी है, ये मैं हमेशा आपको बोलती हूँ. तो 20. अभी हम 3 के पास जाएंगे, लेकिन 3 के टेबल में 20 आता है? नहीं. तो 4 के पास जाएंगे. यस, 4 के टेबल में 20 आता है. 4 इंटू 5, 4 फाइव आर 20. ओके, अभी हम 5 के पास जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि 5 इंटू 4 करोगे तो 20 ही आने वाला है, करेक्ट? तो अभी हम यहीं पे स्टॉप करेंगे. ओके, तो ये हो गए आपके 20 के फैक्टर्स. आपको लिखना कैसे देखो, फैक्टर्स ऑफ 20 इक्वल्स टू, देखो, 1, 2, 4, 5, 10 and last 20. Okay, next. B example. 55. Again same. 1 into 55. 55. Next 2 ke paas jayenge. Lekin aapko pata hai ki last mein 0, 2, 4, 6, 8 nahi hai. 55 is not divisible by 2. Next 3 ke paas jayenge. 5 plus 5, 10 hota hai. तो 3 के टेबल में भी नहीं आता है. तो 4 के पास जाएंगे, लेकिन 4 के टेबल में भी 55 नहीं आता है. फिर हम जाएंगे 5 के पास, तो लास्ट में 5 है, मतलब यस, ये 5 के टेबल में आता है. सो 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है? 11. 11 फाइव जा 55. अगर आपको नहीं पता है इसे, तो आप क्या करोगे, 55 को 5 से डिवाइड करके देखोगे, तो आपको 11 आंसर मिलेगा. तो यहाँ पे आएगा 55. नेक्स्ट 6 के भी टेबल में नहीं आता है, 7 के नहीं, 8 के नहीं, 9 के नहीं, 10 के नहीं, 11 के आता है. लेकिन 11 फाइव जा 55, जो फैक्टर हमें 5 ऑलरेडी मिल चुका है, तो हम यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे. ओके, सो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आएगा, फैक्टर्स ऑफ 55 इक्वल्स टू 1, 5, 11 एंड 55. ओके, नेक्स्ट सी 12. सेम, 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 12. लास्ट में 2 है, मीन्स 2 के टेबल में आता है. 2 इंटू 6, 2 सिक्स जा 12. नेक्स्ट 3 4 जा 12. नेक्स्ट 4 3 जा 12. फिर 5 के टेबल में नहीं आता है. 6 2 जा 12. जो फैक्टर हमें ऑलरेडी मिले हैं, तो हमें फिर से आगे ऐसे 4 3 जा 12 ऐसे नहीं लिखना है. ठीक है, यहीं पे हम स्टॉप करेंगे. सो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल्स टू, देखो मैं सिक्वेंशियली लिख रही हूँ, 3, 4, 6 एंड 12. ओके, और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देन स्टॉप करते हैं. 48 लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर है. सेम, 1 इंटू 48 इक्वल्स टू 48. नेक्स्ट लास्ट में 8 है, मीन्स 2 के टेबल में आता है. 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा? 24. ओके, नेक्स्ट है 12 होता है, और 12 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 48 भी 3 के टेबल में आता है. ओके, तो 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 48 आएगा? यस, 16. मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आपको ऐसे नहीं डायरेक्ट आता है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करके देखोगे. ठीक है, नेक्स्ट 4 के पास जाएंगे अभी हम. तो 4 के टेबल में 48 आता है? आता है.
4 into 12, 12 4 is 48. Next, 5 के टेबल में तो आता नहीं है. 6, yes, 6 into 8, 6 8 is 48. Next, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में आता है, 8 6 is 48. तो ऑलरेडी आपको 6 फैक्टर्स मिल चुका है, तो आगे जाने की जरूरत है क्या? नहीं. तो यह विल स्टॉप हियर. ओके, सो राइट हियर फैक्टर्स ऑफ 48 इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 and 48. 48 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब 48 देखो बहुत सारे टेबल्स में आता है. ओके, सो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं आपको समझ में आया है अच्छे से? वेरी गुड. तो अभी एक पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. थैंक यू.